नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एमपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि एक गंगाराम नाम का व्यक्ति सर गंगाराम कैसे बन जाता है, उसके जीवन में किस किस प्रकार की परेशानियां आती हैं और कैसे उन परेशानियों का समाधान करके वह अपने मुकाम को हासिल कर लेता है। साथियों, बहुत सीखने की बात है। गंगाराम नाम का जो व्यक्ति है वह पंजाब में रहता है, मैट्रिक पास है, नौकरी उसके पास नहीं है, नौकरी ढूंढने के लिए वह शहर में अपने चाचा के पास आता है। उनके चाचा जी बड़ी पोस्ट पर इंजीनियर हैं, बड़ी कुर्सी के मालिक हैं और बड़ी कुर्सी के अधिकारी हैं। साथियों, जब वह वहां आता है चाचा जी नहीं होते हैं, काफी देर तक इंतजार करता है, उसके पैर थक जाते हैं, बैठने की तलाश होती है, वह उनकी कुर्सी पर बैठ जाता है। कुछ समय के बाद में उसके चाचा जी उस ऑफिस में आते हैं, चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है साथियों, और उनके ऑफिस के जो सहायक हैं वह उस बच्चे को वहां पर बैठा हुआ देखते हैं तो आग बबूला हो जाते हैं, उस बच्चे की बेइज्जती कर देते हैं, उसको डराते हैं, धमकाते हैं, बहुत बुरी प्रताड़ना करते हैं। उसको गुस्सा तो आता है लेकिन समझ नहीं पाता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसी दरमियान में उनके चाचा जी आ जाते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, उसका हालचाल पूछते हैं और पूछते हैं, बेटा तुम किस लिए आए हो? तो कहता है, आया तो मैं नौकरी करने के लिए था लेकिन अब मेरा मन बदल गया है, अब मैं पढ़ना चाहता हूँ। वह चाचा जी उसकी पढ़ाई लिखाई की बंदोबस्त कर देते हैं, अच्छी व्यवस्था कर देते हैं और पढ़ लिख करके वो अंग्रेजी सरकार में, अंग्रेजी हुकूमत में बहुत बड़ा अधिकारी बन जाता है और उसको लोग सर गंगाराम के नाम से जाने लगते हैं। वह उसी ऑफिस की विजिट करने आता है, चारों तरफ से लोग गुलदस्ते लेकर खड़े होते हैं, सब खड़े हो जाते हैं। उस समय वह उसी सहायक और चपरासी को कहता है कि क्या आप मुझे पहचानते हो? मैं वही गंगाराम हूं जिसकी आपने बेइज्जती की थी, जिसको कुर्सी पर नहीं बैठने दिया था, जिसके बारे में आप कह रहे थे कि इस कुर्सी के लिए बैठने के लिए तुम्हारे परिवार में भी कोई व्यक्ति नहीं है, मैं आज वही व्यक्ति हूं। उसी सर गंगाराम के नाम पर आप देखते हैं कि चारों तरफ हॉस्पिटल बने हुए हैं, चारों तरफ धर्मशाला बनी हुई है, दिल्ली जैसे महानगर के अंदर सर गंगाराम के नाम के पार्क और मार्ग बने हुए हैं। साथियों, उस कहानी के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूं, यदि कोई भी विद्यार्थी अपने मन में कोई ठान ले और जनून पैदा कर ले तो कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ वो प्राप्त कर सकता है, कुछ भी बन सकता है, बशर्ते कि उस चैलेंज को स्वीकार कर ले। साथियों, इस कहानी के माध्यम से आपके पास मैं संदेश जो दे रहा हूं कि अपनी विल पावर को बढ़ाएं, मन के अंदर दृढ़ता लेकर के आए, किसी भी काम को कर गुजरने की मन के अंदर विश्वास कर लें, सब कुछ संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। इन सब बातों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।